नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको भी मालूम है कि निफ्टी में क्या धमाकेदार गिरावट चल रही है। ठीक है, निफ्टी में एकदम जबरदस्त ऐसे ऐसे धड़ाम धड़ाम गिरावट चल रही है। इस गिरावट में वही संभलेगा जिसका बिजनेस स्ट्रांग होगा, जिसकी चार्ट पर स्ट्रांग होगी, जिसकी टेक्निकल स्ट्रांग होगी। दो दो स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, दो स्टॉक जिसके बिजनेस के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, उसकी सर्विस इस्तेमाल करते हो, दोनों के दोनों मल्टीबैगर कंपनियां हैं, जबरदस्त गिरावट पे मिल रही है। ठीक है, लगभग 40 से 50% डिस्काउंट प्राइस पर आपको मिल रहा अभी अवेलेबल है। जबरदस्त रिवर्सल देखने को मिल रहा है उनके चार्ट में, चार्ट पैटर्न में। निफ्टी की गिरावट का उन पे कोई असर नहीं दे रहा और दोनों अभी 200 डेज के ईएमए के ऊपर ही सपोर्ट ले रहे हैं। तो कंपनियां कौन सी हैं, चलिए मैं आपको एक एक करके मैं आपको बताता हूं, उनके चार्ट पे लेकर चलता हूं। ठीक है, बिजनेस को नहीं उनके समझाऊंगा, क्योंकि आप उनका नाम सुनते ही आप बिजनेस समझ जाओगे कि क्या है बिजनेस। तो बिजनेस को रहने देते हैं। या दोस्तों, पहली मेरी कंपनी IRCTC, इंडियन रेलवे का इस्तेमाल करते हैं ना, टिकटिंग का, रेल नीर का, कैटरिंग का, जो भी बिजनेस रहता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एकमात्र कंपनी IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग कंपनी। इसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, 100% मोनोपोली स्टॉक है। आईपीओ को थोड़ा लिस्ट हुआ था और क्या जबरदस्त किया था। चलिए मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। देखिए, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा कर रखा हुआ है। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर दूं कि प्राइस को स्टडी करने का हमारा अपना सेटअप है, जिसको हम ईएमए प्लस आरएसआई, ठीक है, ईएमए आरएसआई से हम अपना सेटअप प्राइस को स्टडी करते हैं। इसमें तीन लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगाते हैं। याद दिला दूं, ग्रीन वाली लाइन जो है ये 200 डेज की ईएमए है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। येलो वाले लाइन जो 150 डेज की है, और रेड वाली लाइन जो है ये 100 डेज की। तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस रहती है। ये काम आती है समझने के लिए डिसीजन मेकिंग में कि कहाँ पर हमको एंट्री बनती है और कहाँ पर हमारा एग्जिट बनता है। ठीक है, ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में इसी पर डिसीजन लिया जाता है। दूसरे इन्वेस्टर का ट्रेडर का दूसरा हो सकता है, और साथ में आरएसआई यानी मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए आज के दिन का आरएसआई 70 है, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बताता है। ठीक है, आईआरसीटी के चार्ट में अब आप समझिए, कुछ चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, काफी दिन से प्राइस ने अपना लो बनाया, ठीक है, यहाँ पर लो बनाया। लो बनाने के बाद ये मार्च का महीना है, धीरे 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 अपने आप को कंसोलिडेट करके प्रीवियस हाई के ऊपर रहा। और ये देखिए, बॉक्स मैं बनाकर दिखा रहा हूं, कितना दिन तक ये इसी 100 और 200 के ऊपर जाकर अपने आप को सस्टेन किया रहा। ठीक है, सस्टेन किया रहा, फिर नीचे आया, और नीचे आने के बाद ये कैंडल स्टिक आप सही से देखिएगा दोस्तों, तभी आप समझिएगा। कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश कीजिए, ये देखिए कैंडल स्टिक कितना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेस बनाया इसने। ये देख रहे हैं ये बॉक्स कितना जबरदस्त, कितने दिन का ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाया आईआरसीटीसी ने, और फाइनली 100 और 200 डेज के बीच में अपने आप को सस्टेन किया। और आज इतनी गिरावट के बावजूद भी, आज इतनी निफ्टी में गिरावट पिछले दो दिन की गिरावट के बावजूद, कि आज का ये कैंडल देखिए दोस्तों 200 डेज के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। साथ में वॉल्यूम देखिए और साथ में आरएसआई देखिए दोस्तों। तो अभी इसी पॉइंट पर आप अगर एंट्री लेते भी हैं, अगर आप इन्वेस्ट के लिए, तो आप किसी भी पॉइंट पर ले, सही यहीं पर ले लीजिए, कोई बात नहीं। कल ही जाकर आप बाई कर लीजिए, कल ही आप बाई करके छोड़ दीजिए नेक्स्ट 10 साल के लिए। अगर मान लीजिए 660-665 पर आप लेते भी हैं, तो आप एसएल लगा लें इसके नीचे, यानी कि 618 का, यानी कि 42-45 रुपए मैक्सिमम आपका एसएल हो गया, जो कि आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि इतने दिन कंसोलिडेट होने के बाद यह निकाला है। या फिर आप 100 डेज के नीचे का एसएल लगा लें, अब इसके अंदर लॉन्ग पोजिशन बना लें और इसको अब लेके चले पहला टारगेट दोस्तों, जहां से हम लोग पहली बार क्रिक करके आए थे, नीचे गिरे थे, यानी कि 720 का। ठीक है, 720 का जो इजिली अचीव हो जाएगा, इजिली अचीव हो जाएगा, क्योंकि अब इसको रोकने वाला कौन सा है दोस्तों, अब इसको कहीं भी, यहां पर कहीं पर बीच में कहीं पर कोई रेसिस्टेंट ही नहीं है। सेकंड टारगेट इसका 780 का, ठीक है, और ये अगर अचीव हो गया, जो कि अब लगता है कि अचीव हो जाएगा, तो फिर इसका थर्ड टारगेट इसका ऑल टाइम हाई, जो कि 1300 के आसपास में है। अब यहां से यह स्टॉक रॉकेट बनेगा, क्योंकि रिजल्ट भी आने वाला है, और उम्मीद के हिसाब से हमेशा की तरह आईआरसीटीसी का रिजल्ट भी जबरदस्त आएगा दोस्तों। तो इस पर नजर बनाकर रखिए, शॉर्टलिस्ट में डालिए। और सेकंड स्टॉक को दिखाने से पहले दोस्तों,
एक अपील की, अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, दूसरा स्टॉक है मेरा रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अपने घर में देखिए स्लीपर और जूता आप किस कंपनी का पहनते हैं या आपके फैमिली मेंबर किस कंपनी का पहनता है, समझ में आ जाएगा। सेम वही हमारा स्टडी का चार्ट है। आज के दिन इसका RSI 66 है। आज के दिन निफ्टी में गिरावट होने के बावजूद भी मैं आपको एक बार फटाफट आपको दिखा दूं कि आज के दिन का कैंडल देख लीजिए, कुछ ही स्टॉक रहा है जो आज के दिन अपने आप को सर्वाइव किया। ये ग्रीन कैंडल देखिए क्या जबरदस्त इसका रहा है। और अब चार्ट पर सही तरीके से समझिए, ये लो बनाने के बाद अपसाइड मोमेंट गया, ठीक है, धीरे धीरे अपने आप को सस्टेन किया। 200 और 100 डेज के बीच का ये मैं बॉक्स बना रहा हूं, देख रहे कितने दिन से, ये दोस्तों 2.5 महीने का कंसोलिडेशन है। किसी भी टाइम फ्रेम पर 2.5 महीने में नीचे 100 डेज के नीचे प्राइस आया ही नहीं है। ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर आप चार्ट को अगर कैंडलस्टिक को समझते हैं तो आप ये देखिए किसी भी महीने में, ये 2.5 महीना में किसी भी दिन में इस स्टॉक ने 100 डेज के नीचे आया ही, क्लोज ही नहीं किया। 100 डेज से छोड़िए 150 डेज के नीचे इसने क्लोज नहीं किया दोस्तों। तो गजब का मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है और इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है। तो आप 100 इसी के नीचे का SL लगाकर, जो कि एकदम सेफेस्ट SL होगा, ये लगभग आ रहा है 895 के आसपास में और मुश्किल से आपको 40 रुपया का SL होगा, और लॉन्ग पोजीशन बनाकर आप इसमें लेकर जा सकते हैं। अगर पहले से आपने माल मिस कर दिया है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर 10 साल के प्रस्पेक्टिव से कोई मिड कंपनी अगर सर्च कर रहा है फुटवेयर सेक्टर में, तो बाटा को छोड़िए रिलैक्सो को पकड़िए। मैं तो यही बोलूंगा, बाटा से ज्यादा रिटर्न देने में रिलैक्सो बाटा का बाप है। पहला टारगेट दोस्तों, पहला टारगेट जहां से हम पहली बार क्रैक करके आए थे, जहां पर ये निकालने की कोशिश किया लेकिन नहीं निकल पाया, जब हम टूटे थे यानी 1200 के आसपास आ रहे। फर्स्ट टारगेट मेरा 1200 के आसपास है रिलैक्सो में, जो आने वाले 10-15 दिन में, महीना दिन में निकल भी आ भी सकता है। और सेकंड टारगेट मेरा इसका ऑल टाइम हाई रहेगा, क्योंकि काफी दिनों से ये गिरावट हम लोग के अंदर था, अब इसके अंदर प्राइस में जबरदस्त स्टेंट आ गया है और रिलैक्सो ने वापस 200 डेज के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर दिया है। तीसरी ऑब्जर्वेशन इसमें देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर ऑलमोस्ट हो गया है, रेड वाले ने येलो वाली लाइन या 100 डेज ने 150 डेज को क्रॉसओवर कर लिया। 200 डेज के बाकी जितने जैसे जैसे ये क्रॉसओवर होते जाएगा वैसे इसे प्राइस में तेजी आती जाएगी दोस्तों। तो आप नजर बनाकर रख सकते हैं, आप ट्रेड करने से पहले, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने से पहले आप अपना भी रिसर्च खुद कर सकते हैं या इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च